हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे रोहित ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अपना प्यार दिखा रहे हो। तो अभी मैं यहाँ पर आया था अपने शूटिंग के लिए, आप सभी के लिए जो वीडियो बनाता हूँ उसी के लिए। तो यहाँ पर हमारी केटीएम में जो बहुत गंदी हो चुकी है, आप सभी देख सकते हैं दीपावली पे बहुत सारी सजावट लाएंगे और इसको बहुत नया कर देंगे अपन, तो इसलिए आप सभी बने रहना और हमारी केटीएम को भी देखते रहना। तो अभी हम चले अपने घर की ओर और यहाँ पर रास्ता देख सकते हैं, हमारा ये रास्ता बहुत ही खराब है। वैसे भी बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा रास्ता यहीं पर खराब होता है। तो ये है हमारे अंकल की दुकान, जहाँ पर ये कचौरी और जो मतलब जलेबी, पोहा, जलेबी सब बनाते हैं और हम भी यहाँ पर रोज आते हैं और अंकल इतनी मेहनत करते हैं कि अभी दुकान जैसे कि तैसे ही, लेकिन फिर भी मतलब कर रहे हैं मेहनत, तो इनकी यही बात अच्छी लगती है हमको, इसलिए हम यहाँ पर रोज पोहा जलेबी खाने के लिए आते हैं। गाइस, हमारे पास है भगोनी और इसमें है बादाम का चूरमा। तो अभी अपन को इसमें डालना है दूध, क्योंकि हम बनाने वाले हैं इसका दूध और बादाम। चलो इसमें दूध डालते हैं और उसके बाद शक्कर भी डालना है। तो अपन ने दूध डाल दिया है और इसमें अब शक्कर भी हमारे पास ही है, तो शक्कर भी डाल देते हैं। हमारी शक्कर ये रही और देख सकते हैं भाई साहब कितना अच्छा हो गया इसमें दूध मिक्सर, बहुत ही मतलब अलड़म बलड़म हो गया है। वैसे तो इसको रख देते हैं, चला देते हैं इसको। तो आज हम सोच रहे थे कि हमारा जो दूसरा कमरा है तो उसमें हम आज स्टूडियो की कुछ तैयारी करेंगे और हमारा दूध भी बनकर तैयार हो गया, तो सबसे पहले वो पी लेते हैं और उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे जो भी हमारे स्टूडियो की। तो आप सभी देखना चाहते हैं कि मेरा हाथ ही जल गया यार। तो आप सभी देखना चाहते हैं कैसे मतलब हम स्टूडियो बनाएंगे, तो आप सभी हमारे इसमें बने रहना। तो सबसे पहले अपन पानी पी लेते हैं। आप सभी को दूध पीना है तो पी सकते हैं आप सभी। तो आज नल भी आ रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारी साइकिल को नहला देते हैं। तो यहाँ पर हमारे नल भी आ रहे हैं तो देख सकते हैं, तो इसको अभी हम नहलाएंगे अच्छे से। और इसको नहलाने में मजा जो भी आता है वो बहुत ही अलग आता है, वैसे तो देख ही सकते हैं। तो हमने साइकिल को नहला दिया है और आप सभी देख सकते हैं साइकिल पूरी नई हो चुकी है। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पोहा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं हम दुकान पर गए थे और वहां से लेकर आए थे पोहा। चलो पोहा को तो अपन ने डाल दिया है, देखो आप सभी मैं पानी डाल रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर अपन आलू छोल के लेकर आ गए थे और यहाँ पर इसको कतरना है, तो फटाफट अपन कतर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें आलू भी कतर लिए और कितने सारे आलू है, ये एक ही आलू था जो हमने कतर दिया। इसका अपन क्या बनाने वाले हैं आप सभी को पता ही है, तो चलो बनाते हैं भैया। तो हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और हम अभी इसमें जो भी है आलू डाल देते हैं। आलू डाल दिए हमने, अलट पलट कर देते हैं इनको भी। तो आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर आलू डाल दिया है कढ़ाई में, इनको अपन सेकने लग जाते हैं और हमारे यहाँ पर पोहे भी पड़े हैं। आलू सेकाने के बाद अपन इस कढ़ाई में डालेंगे पोहे और उसके बाद सारा आइटम डालेंगे और कुछ भी नहीं डालना है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमने पोहा और जलेबी बना ली है, मतलब जलेबी नहीं है तो पोहा तो ही। तो इसमें अपन ने आलू डालकर और पोहा बना दिया, तो आप सभी को अभी खिलाते हैं। तो ये लीजिए, आप सभी के लिए मैंने पोहा जलेबी बनाकर तैयार कर दिया, तो आप सभी खा लीजिए और कैसी बनी बताना कमेंट में।